आरंग में पिछले 3 महीने से मेंटेनेंस के नाम पर हो रही बिजली कटौती से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी बिजली 3-4 घंटे के लिए बंद हो जाती है। जनप्रतिनिधियों के कई बार शिकायत करने के बाद भी विद्युत आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं शासन ने राशन कार्ड नवीनीकरण का आदेश जारी कर दिया है, जिससे लोक सेवा केंद्रों में भीड़ लगी रहती है, लेकिन बिजली बंद होने से दूर दूर से आए लोगों को खासा परेशानी हो रही है और काम भी नहीं हो पा रहा। विभाग ने जुलाई से पूर्व मेंटेनेंस का काम पूरा होने की बात कही थी, लेकिन जुलाई का आधा महीना बीत जाने के बाद भी काम जारी है। हम सर, ये मंत्री जी का क्षेत्र होने के बावजूद ये इस तरीके से अगर बिजली कटौती की जाती है तो आने वाले दिनों में बिजली ऑफिस का घेराव कर विद्युत व्यवस्था बहाल करने की मांग करेगी, और अगर नहीं होगा तो यहाँ पे उग्र प्रदर्शन करेगी। उसका रोड बैंडिंग का काम है, ये कॉन्ट्रेक्टर का अवार्ड हुआ है, उसका अभी दोनों सप्लाई टाउन 1 टाउन 2 का सप्लाई 2.80 है, ये दोनों हॉस्पिटल को बंद कर दिए।